मनीष शुक्ला जी, अगर समाजवादी पार्टी की यात्राओं की बात करें, रथ यात्राएं जब जब निकली फायदा हुआ है, 2022 में भी फायदा दिखा है रिसेंट में। जो लोक जागरण की बात हो रही है, सामाजिक समानता की बात कही जा रही है, और जिन मुद्दों की बात अनुराग जी कर रहे हैं, जो चाहे सड़क हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये तमाम मुद्दों पर जागरण करने की बात करे सपा, आप लोग तैयार हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में 6 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन का असर है कि आज उत्तर प्रदेश में निवेशक भी आ रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, और अगर आप निकलेंगे दिल्ली से तो जो उत्तर प्रदेश अंधेरा प्रदेश के नाम से जाना जाता था, दंगा प्रदेश के नाम तक ये सियासतों की सरकार से जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश के नाम तक जाना जाता है। रहा सवाल रथ यात्राओं का, कोई राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाने के लिए स्वतंत्र है, वो ये तय करता है कि किस तरह से अपनी गतिविधियां चलानी है, लेकिन 2012 के बाद जब से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से कोई भी यात्रा कभी भी सफल नहीं हुई है। 2014, 2017, 2019, 2022 नगर निगमों के 2 बार चुनाव हुए, कॉपरेटिव पंचायत के चुनाव हुए, सब में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ये मुंह से चाहे जो कहे, बयानों में चाहे जो कहे, दरअसल ये अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, और तुष्टिकरण का। लेकिन मनीष जी, वो तो सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सामाजिक समानता का रथ लेकर चल रहे हैं और जनता समझती है। देखिए उदय जी, उनके पास जब 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 ट्रैक रिकॉर्ड का उकाल जनता समझ गई कि सब झूठी बातें हैं, करना कुछ नहीं है, बातें अच्छी अच्छी करनी। अरे बताओ, यहाँ पे पुलिस थाने में घुस के आपका सांसद यहाँ पुलिस वालों को पीट दे रहा है, तो क्या उसके यहाँ बुलडोजर क्या आपका सांसद पुलिस वालों को पीटेगा क्या? थाने में घुस के उनके लोग पुलिस वालों को पीट देंगे? FIR हो गई है, FIR के बाद क्या एक्शन हुआ, जरा बताइए। आपसे पूछना चाहता हूँ, कन्नौज के सांसद पे क्या एक्शन लिया आपने? आप बताइए ना, एक्शन क्या हुआ? आपके पास जवाब नहीं होगा, आए माए साहब बोले। अरे बताइए ना, कन्नौज के सांसद पे FIR हुई, पुलिस वालों को घुस के पीटा। जब पुलिस वाले को पीटने लगेंगे, पुलिस वालों कभी पीट जाएंगे, कभी तहसीलदार पीट दिया जाएगा, तो ये क्या यही कानून का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में? भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कानून का राज चला रहे हैं क्या, कि पुलिस वालों का भी सम्मान नहीं करेंगे, तहसीलदार का भी सम्मान नहीं करेंगे, जिसको चाहे उसको पीट देंगे, उसके बाद उन पर कार्रवाई नहीं होगी, बुलडोजर में तेल खत्म हो जाएगा, या बुलडोजर रास्ता भूल जाता है? अरे बुलडोजर को भेजिए ना कन्नौज में, क्यों नहीं भेज रहे हैं आप? ठीक है, जवाब ले लेते हैं मनीष शुक्ला जी। अनुराग जी पूछ रहे हैं कि प्रदेश भर में बुलडोजर चलता है, लेकिन जो आपके सांसद हैं, क्या उनके यहाँ भी बुलडोजर जाएगा? नहीं चलेगा, क्या जाएगा? सुजाना पार्टी क्या जाएगा? जो अपराधी है उनके यहाँ जाएगा? पुलिस वालों को पीटेगा उनके यहाँ नहीं जाएगा? ये पुलिस वालों को पीटेगा उनके यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, इसलिए नहीं जाएगा। बधाई हो आपको, आप बधाई की बात है। भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा, अगर वो गलती करेगा, पुलिस वालों को पीटेगा, तहसीलदार को पीटेगा, तो उसके यहाँ बुलडोजर नहीं जाएगा। तो बोल दो ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता होगा, बुलडोजर नहीं जाएगा, तो विपक्ष का नेता होगा, और क्या बुलडोजर जाएगा? ये तो पहली बार हमने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में उसका जवाब तो दे नहीं रहे वो, अपना बुलडोजर रास्ता। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।